स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में, जो कि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। जो अभी नए नए कूलर खरीदे हैं क्या खरीदने वाले हैं, वो लोग के लिए वीडियो होने वाली है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस साइड देखो, पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वाटर कूलर है फ्रेंड्स। इसमें आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से वर्किंग करता है और ये कूलर के अंदर आता भी क्या है, पूरा खोल के भी दिखाएंगे, फुल डिटेल वीडियो बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सब नॉर्मल कूलर में ये चीज तो आता ही है, दो स्विच आता है। अमुक में बहुत से कूलर में तीन भी आएंगे कि स्विंग का अलग आएगा, पंप का अलग आएगा। तो फ्रेंड्स नजीक का ही आपको मैं बताता हूँ, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये स्पीड कंट्रोल आता है, जो लो मीडियम हाई वाला, ये तो सब में आएगा ही आएगा। और सबसे मेन तो ये आता है, देखो इसमें पंप का और स्विंग का एक में ही दिया हुआ है। बहुत में क्या होता है, स्विंग का अलग भी एक ऑप्शन दिया रहता है, पंप का अलग ऑप्शन दिया होता है। पर फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर देखो फ्रेंड्स, ये पंप का, ये पंप करेंगे तो अंदर जो पंप है वो भी आपको दिखाऊंगा आगे खोल के। और ये पंप और स्विंग का, ये स्विंग मतलब ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स आगे आता है, ये घूमने के लिए दिया रहता है फ्रेंड्स। इसमें ये कुछ मैकेनिज्म है और कुछ है नहीं इसमें कुछ ज्यादा। और जो सबसे मेन आप देख सकते हो, इधर नीचे टैंक आती है। अब मेन इसके क्या, इसके नीचे अंदर क्या आता है वो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो इसके अंदर लगा है साइड पे, ये बता देता हूँ, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारे तीनों साइड लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स हनीकॉम्ब, ये जो है फ्रेंड्स इसको हनीकॉम्ब बोलते हैं। जो डालते हैं तो फिर ठंडी हवा भी आनी चाहिए, उसके में सबसे ज्यादा काम ये आता है। पहले जो हमारे कूलर आते थे उसके अंदर घास आते थे फ्रेंड्स, जो कि बहुत मतलब जैसे अभी पानी डाला एक दो दिन बाद स्मेल करने लगते थे। पर फ्रेंड्स ये स्मेल नहीं करेंगे खराब, जैसे वो घास थोड़ा मतलब बहुत बेकार स्मेल आता था क्योंकि हमने यूज किया है तो हमको आइडिया है। पर ये हनीकॉम्ब स्मेल नहीं करेगा आपका, ये तीनों साइड यही हनीकॉम्ब आएगा। अब चलते हैं इसको खोल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या मेन आता है। इसके जो दो स्क्रू है ये मशीन से हमारे खोलते हैं, फटाफट दिखाता हूँ आपको, आ जाइए नजीक थोड़ा। तो पहले ये वाला इसको एक खोल लिए, अब ये जो दूसरा है इसको भी खोल लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसका जो है ये वाला ढक्कन निकालते हैं खोल के। खोलना वोलना एकदम इजी रहता है फ्रेंड्स। तो आप देखिए पहले अंदर से, आप देख लिए, अब देख लीजिए अंदर से कुछ इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। यहाँ हमारी ये मोटर लगी रहती है और ये तीनों साइड जो आपको पहले दिखाया ये हनीकॉम्ब भी लगा रहता है। और जो हमारा पंप कैसे वर्किंग करता है वो आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो देखो ये पंप मोटर आती है नीचे इस तरह से, आप देखिए कोई भी कूलर लोगे अभी इसमें छोटा पंप है, और अगर थोड़ा बड़ा साइज में लोगे तो उसमें बड़ा पंप आता है। तो ये पंप कैसे वर्किंग करता है फ्रेंड्स, यहाँ पाइप लगी रहती है, आप देखिए ये ओरिजिनल जो हमारी कंपनी की पाइप लगी हुई है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आप पाइप देखिए कहाँ लगा हुआ है, ये ऊपर से अटैच है, मतलब जो पानी है ये इसके ऊपर आएगा। और अब बहुत में सिस्टम क्या रहता है फ्रेंड्स, जो पाइप देख रहे हो फ्रेंड्स इसमें तीन जगह पाइप रहता है, एक इधर से पानी गिरता है, देखिए ये इसमें ये वाली सिस्टम है कि इधर से पानी गिरेगा अगर आपको दिख रहा होगा तो। और बहुत समय होता है कि फ्रेंड्स डायरेक्ट इसमें पानी गिरता है, ये दिखाता हूँ आपको, ये तो बहुत समय इधर इधर पानी डायरेक्ट गिरता है, इधर बना रहता है जगह, इसमें पानी गिरता है फ्रेंड्स। पर पहले इसमें इसमें ये सिस्टम है कि इधर से पानी गिरेगा। और ये आप देखिए इसमें जो ब्लेड है एल्यूमिनियम की ब्लेड है, इसकी वजह से क्या आवाज़ भी कम आती है और इस तरह से इसकी ब्लेड आएगी फ्रेंड्स। और ये नीचे ऊपर नीचे करने वाला इधर से ऑप्शन दिया है, आप बाहर से कर सकते हो। और ये ब्लेड और ये मोटर इसमें ऊपर से कवर सेफ्टी दिया हुआ है कि पानी वानी अंदर जाए ना। और ये मेन इसमें जो पानी जो हमको मतलब पानी डालते हैं उसके बाद जो हवा आती है ठंडी, मेन ये पंप की वजह से आती है फ्रेंड्स। ये पंप ही वर्किंग करना ही चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बिना पानी के पंप का ऑप्शन ऑन कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा पंप है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें पंप में भी लिखा रहता है पानी बिना इसको वहीं चलाएं, पंप का ऑप्शन ऑन नहीं करें। और इस तरह से कुछ इसका पूरा सिस्टम आता है। और यहाँ पे आप देखिए अगर आपको दिख रहा होगा ये स्विंग की मोटर आती है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, तो देखिए आप ये स्विंग की मोटर फ्रेंड्स जो ये आगे वाला भागे, देखिए ये वाला जो स्विंग करता है वो मोटर की वजह से करता है। इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म नहीं आता, एकदम सिंपल आपको दिखा रहा हूँ पूरा कूलर, आप देखिए एक बार देखिए कुछ है इसके अंदर फ्रेंड्स, खाली मोटर है और ये टैंक और ये पंप। पर इतने से ही फ्रेंड्स मतलब काफी मतलब घर में फर्क पड़ता है, हवा भी मस्त आती है, पंखे से अच्छी बेटर हवा आती है। और ये कूलर भी फ्रेंड्स हम काफी टाइम से बेच रहे हैं, आपको दिखाया होगा अनबॉक्सिंग के वीडियो में भी हमने बताया होगा। और अगर आपको इसके आगे भी बड़ा कूलर में कैसा आता है वो देखना है तो कमेंट में बताइएगा, वो भी हम बताएंगे, डिटेल बताएंगे। और इसमें ज्यादा कुछ इतना खास होता नहीं है फ्रेंड्स, काफी इजी सिस्टम आता है। अब और इसका जो पार्ट्स है फ्रेंड्स सब हमारे पास मिलता है इसी कंपनी का ओरिजिनल भी, तो हमको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, हम रिपेयर भी करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।